7 मार्च को पुराना बस अड्डा से हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शुरू की गई एचआरटीसी की जोबरहाटी हवाई अड्डे तक एरो कनेक्ट शटल बस सर्विस का शुभारंभ किया गया, जिसमें हवाई अड्डे तक जाने के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिसके चलते एचआरटीसी ने लोगों को सुविधा देने के लिए हवाई अड्डे तक सीधी सुविधा शुरू की। यह बस सर्विस पुराना बस अड्डा से सुबह 6:30 पर शुरू होगी और हवाई अड्डे से 8:30 पर पुराना बस अड्डा के लिए चलेगी। इस सुविधा से शहरवासियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस पर एचआरटीसी मंडलीय प्रबंधक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व एचआरटीसी प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर द्वारा शुरू की गई शटल बस सर्विस की शुरुआत शिमला शहर के लोगों के लिए की गई, ताकि शहरवासियों को हवाई अड्डा तक पहुंचने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसका किराया मात्र पुराना बस अड्डा से लेकर हवाई अड्डे तक कुल 200 रुपए रखा गया है। 2024 को एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस एयरपोर्ट के लिए चलाई गई है, जिसका शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा स्थानीय लोकल बस अड्डा शिमला से किया गया है। तो ये जो हमारी एरो कनेक्ट टेम्पो सर्विस नॉन स्टॉप ओल्ड बस स्टैंड शिमला से एयरपोर्ट जुबड़हट्टी के लिए डेली 2 चक्कर लगा रही है। एयरपोर्ट शिमला ओल्ड बस स्टैंड शिमला से एयरपोर्ट जुबड़हट्टी की दूरी 22 किलोमीटर है तथा यह इस दूरी को 40 से 45 मिनट में कवर करती है। इस एरो कनेक्ट टेम्पो ट्रैवल सर्विस का पहला चक्कर ओल्ड बस स्टैंड से 6:30 बजे चलती है तथा वाया बालूगंज टुट्टू शिवनगर होती हुई एयरपोर्ट 7:15 पे पहुंचती है तथा वापसी एयरपोर्ट से 8:30 बजे चलकर ओल्ड बस स्टैंड शिमला 9:15 बजे पहुंच जाती है। तथा दूसरे चक्कर के लिए यह एरो कनेक्ट टेम्पो बस सर्विस 9:30 चलकर 10:15 एयरपोर्ट पहुंचती है तथा एयरपोर्ट से 10:30-11:15 बजे चलकर वापिस 11:30 बजे ओल्ड बस स्टैंड शिमला पहुँच